रही हूँ, मेरा तो नहीं दिख रहा है। मेरा है कि नहीं? प्रिया का तो इधर है। एक्सक्यूज मी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? रिजल्ट देखना है। ये देख ले। गोपी पास। वाह क्या बात है। अच्छा ये बता तेजू कहाँ है? आता होगा यार, लेट है मगर लेटेस्ट है। हे ब्रो, हाय हाय हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया। रिजल्ट का क्या हुआ? पास हो गया यार, 98% से। 98%? मेरी गर्लफ्रेंड को कम समझा है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड पास हो गई है, पूरे कॉलेज को पता है। तेरा क्या हो बोल? 80% यार। और तेरा कितना है? 52%। और तेरा कितना है? 48% पास बे। बहुत बढ़िया। क्या हुआ बे? तेजू, हाय। हाय, ये तो इसके पीछे पास हो गया क्या? हाँ, मैंने देखा अभी, कांग्रेस। थैंक यू। कितने परसेंट आए? क्या कहा? जैसे तुमने देखा ही नहीं। नहीं, 70%। अरे कांग्रेस। थैंक यू सो मच। पर के पढ़ाई पर ध्यान देती तो तुझे 98% मिलता। सही बात है। अरे मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा। बाय तेजू। चली गई। अरे तेजा, लगता है तूने उसके साथ जरूर कुछ किया है। तुझे देखने के बाद वो अपना पंख छुपा लेती है। अरे ऐसे मत देख यार, मुझे डर लगता है। जाने दे यार, चल। अरे तेजू, ऐसे किसे ढूंढ रहे तू? अंजलि दिखाई नहीं दे रही यार। तेजू वहां देख यार। अरे उस तरफ जा, चल निकल। पास हो गया यार। ओके बाय। ओके बाय बाय। हाय अंजलि। हाय संतू। 98% हमारे कॉलेज की टॉपर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस हो गया, इसने लिमिट क्रॉस की है। टाइम आने दे, इससे तो मैं देख लूंगा। तुम्हें कितने मिले हैं? हाँ कुछ नहीं, पास हो गया हूँ। तुम्हारे जितना नहीं है, 85%। कांग्रेट्स। थैंक यू। पल्लवी तेरा क्या हुआ? 75% बस। अरे कांग्रेट्स। थैंक्स। हाँ पिताजी। हाँ मैं पास हो गया। अच्छा 80% आए। सिर्फ 80%? 20% क्या सरकार को दान में दे दिया? अरे 80% लाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको नहीं पता। अब हो गया ना, आगे क्या सोचा है? डिग्री कॉलेज में एडमिशन लूंगा और क्या। ठीक है, आगे अच्छी तरह से पढ़ाई करना। अच्छा पिताजी। भैया पास हो गए? हाँ। क्या? तो मिठाई कहाँ है? बिल्कुल लेकर आया हूँ। लॉलीपॉप? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? जब मैं पास होंगी ना तो ये भी नहीं दूंगी आपको। चाहिए कि नहीं?
मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटी? मम्मी रिजल्ट देख के आ गई मेरी बेटी। मैं पास हो गई मम्मी। पास होगी ये तो पता था। परसेंटेज कितना है? 98%। 98? मुझे पता था मेरी बेटी बहुत ज्यादा परसेंटेज लाएगी। अरे क्या हो गया, इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? अरे हमारी बेटी पास हो गई, 98% मिले हैं। मेरी बेटी का भविष्य मुझे नहीं पता है क्या? सुनो प्रमिला, मेरी बेटी पास हो जाए इसके लिए हमने मन्नत मांगी थी ना, इसलिए हम जल्दी ही मन्नत पूरी कर देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जाएंगे जाएंगे। पापा मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ? अरे मुझे कॉलेज के बारे में नहीं पता है बेटी, वो सब तेरी माँ का डिपार्टमेंट है, उससे पूछ लेना। अरे तुझे पता है तेरे पापा फेल हो गए थे और मैं पास हो गई थी, चल मैं बताती हूँ तुझे। अबे थू, चलो उतरो, चलो उतरो। सुनो तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। किसने रखा होगा, कोई नजर ही नहीं आ रहा। अभी तक तेरा खत्म नहीं हुआ क्या दोस्त? तू देख नहीं रहा यार वो क्या मांग रही होगी पता है? और क्या मांगी होगी, डिग्री के एग्जाम में रैंक आ जाए यही प्रार्थना कर रही होगी? अबे नहीं, मैं उसे जल्दी से मिल जाऊं ये प्रार्थना कर रही है। लेकिन तेरा गुलाब का फूल तो वहीं पड़ा हुआ है। कहाँ जा रहा है तू? वो गुलाब का फूल तेजू ने रखा था, उसको बाल में लगा लेना, उसको कहने जा रहा हूँ। ए चुपचाप खड़े रह। अरे वो गुलाब का फूल वेस्ट हो जाएगा ना यार।
रख लिया, गुलाब ले गई। अरे फूल तूने रखा है उसको पता नहीं इसलिए लेकर गई है। वो फूल तूने रखा है ऐसा उसको कह दे, अगर उसने वो फूल लगा लिया तो समझ उसके पेट में तू ही है। दिन में चल चलते हैं। अरे रुक 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 रुक, क्या हुआ क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे आंटी से दूध लेना है, रुक जा। अरे कहाँ जा रहा है? इसकी दूध पागल है। आंटी क्या है? जा रहे? अरे वैसे नहीं, दो पैकेट दूध तो ऐसा कहा मैंने। सुनना, दो पैकेट काफी है क्या? काफी है। तो लाती हूँ। क्यों भाई, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? पूरा कार्टून है। हंसो और हंसो, जोर जोर से हंसो, हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। अरे ये लंबू को देख, कितना अच्छा हंस रहा है। क्या आंटी, आपके दूध के पैकेट तो ताजे ताजे लग रहे हैं। बिल्कुल ताजे ही तो हैं, इसीलिए। गोपी तू हमेशा ऐसे ही बर्ताव करते हैं। वो क्यों? ऐसे ही पूछा, नाची बॉय। अरे बाप रे, तुम लोग तो दोबारा मुझे देखकर हंस रहे हो, मुझे तो खुशी मिल रही है। हंसो, हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, हंसो हंसो। देख ना भाई, मुझे ये लोग देखकर कितना खुश हो रहे हैं। अबे लुंगी तो पहन ले। ना 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 ना। हेलो। हेलो सर, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। हैं? हांगकांग से बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मेरी घरवाली बात करेगी। अरे प्रमिला, हांगकांग से तुम्हें किसी ने कॉल किया है, आकर बात करो। क्या कहा? हांगकांग? मैंने भी वही कहा, तुम्हें कुछ और सुनाई दिया क्या? बोलिए। मैडम नमस्ते, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। तो आगे बोलो ना। मैडम आपके घर में बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें हमारे कॉलेज में भेजिए। हे भगवान, मैंने तो ऑलरेडी अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया है। अच्छा, कौन सा कॉलेज मैडम? SMS कॉलेज में। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके। क्या हो गया, बड़ी खुश नजर आ रही हो? उसने मुझे मैडम कहा। उसने तुम्हें देखा नहीं है ना? ये पुराना रेडियो रख के क्या सुनते रहते हो, इसे जाकर फेंक क्यों नहीं देते? तुम भी पुरानी हो गई हो, तुम्हें भी फेंक दूं क्या? हे भगवान, कौन से कॉलेज में है वो? SMS कॉलेज में। चीयर्स। नया कॉलेज है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही है, हम कॉलेज जा रहे हैं, किसी जेल में नहीं। ये SMS कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, किसी बात का डर नहीं है, मेरी मम्मी कह रही थी। तुम लोग भी SMS कॉलेज के हो क्या? फ्रेशर्स हो? हाँ, और मैं तो? भी फ्रेशर ही हूँ, इसी कॉलेज में भर्ती हुई हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। पल्लवी। अंजलि। गीता। देवकी। अरे लड़कियाँ लड़कियाँ, क्या मस्त लग रहा है यार। चल चल चलते हैं जल्दी अंदर, क्या बात है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। किसी के बगल में बैठेंगे। कैसे चढ़ूं? अरे बाप रे, क्या है यार, इस बस में इतने सारे मर्द बैठे हुए हैं, बेचारी वो लड़की तकलीफ में, हेल्प तो करनी चाहिए ना। तो हेल्प करना, तू भी तो मर्द है। मैं मर्द हूँ, दिखाता हूँ मैं। हेलो एक्सक्यूज मी, शक्तिमान हियर, कम ऑन। थैंक्स, मैं जिंदा बच गया, यही बड़ी बात है। तेजू अभी तक आया नहीं है क्या? आ ही रहा होगा। तेजू आ रहा हूँ। अरे आ गया तू। सुनो पल्लवी, इसने भी हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। खेल शुरू कर दिया इसने। चाहिए क्या? अरे धनिका, ये मुझे देखकर क्यों हंस रही है, क्या हो गया होगा इसे? अबे तुझे कैच करने की कोशिश कर रही है। कैच करने के लिए कोई टेनिस बॉल है क्या? देख रहा है ना कितनी मोटी है,
अरे वो टेनिस बॉल नहीं, वॉलीबॉल है। अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? मुझे दिखाई देता है, तू देख के चल। हे, चल निकल। क्या यार, ये भी यहाँ पर आ गया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जाने दे अभी, बाद में देख लेंगे। जैसा आएगा ना? सच में बहुत मजा आएगा। पल्लवी, देखना इसे खाए जा रही है। यार, ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये लोग साइंस वाले हैं ना? आने देना यार, कॉलेज हमारा थोड़ा ही है। हाँ यार, सही है। चलो। अरे क्या हुआ भाई? पता नहीं। क्या नहीं था उसके लिए? अरे अच्छा, चलना चलना भाई, चल चल चल। बैठना। बस बैठ जा। इधर बैठ। अरे बैठना। चल चल यार। वहाँ देख। अरे ना, देख तो सही। सही में तो मिस कर दिया यार। ये मेरी जगह। अरे चल जाना। तू तो बहुत देख रहा है। यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सिट डाउन। अरे क्या कर रहा है? अरे भाई क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। वेलकम टू SMS डिग्री कॉलेज। चलो आ गए हम लोग। सारी लड़कियां पहले उतरो, आराम से दोस्त गिरा मत देना। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो आराम से उतरते जाओ। चलो चलो करके जाओ जाओ जाओ। चोरी देखकर जा रही है तू? अरे यार उतरना जल्दी। बाय तेजू। बाय। सुलक्ष्मी इस चीज में कम नहीं है। कॉलेज बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत मजा आया ना? सच में सच में बहुत एंजॉय किया ना हमने। देखना हमारे पीछे आ रहे हैं। सुनो इनके पीछे चल क्या, ठीक है? चल। बाय बाय बाय। चलो हम भी घर जल्दी चलते हैं। कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा लगा मुझे। चुपचाप बस बहुत खुश हूँ। हाय अंजलि। हाय संतू। देना। अबे मैं इसका सर तोड़ दूंगा। ठीक है फोड़ना, रुक जा यार। बहुत बहुत थैंक्स। ओके बाय। बाय अंजलि। चल देखते हैं। देखेंगे तो पता चलेगा। अरे तेजू, अरे तेजू, हमारा घर तो उस तरफ से है ना? इधर तू उस तरफ से क्यों जा रहा है? मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तुम लोग निकलो। ठीक है ठीक है, जा भाई जा। मेरा घर आ गया है। हाँ बाय बाय। Yeah!
संतू क्या है? वो तेजू है ना? कौन तेजू? आर्ट्स का स्टूडेंट, आजकल बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। वो साइंस की लड़कियों को एंकरेज कर रहा है। हमारे होते हुए हम उसे नहीं छोड़ सकते। उसे सबक सिखाएंगे। हाँ। इस खेल में स्पून में नींबू की जगह मौसमी रखते तो कितना अच्छा होता यार। तू ऐसा कैसे बोल रहा है यार? मौसमी मौसमी बोलकर मरता है तू। वो देख सामने मौसमी आ रही है। वो मौसमी नहीं है यार, वो तो भोपला है। अरे देख कैसे हाथी की तरह हिलते हुए। अरे पास क्यों आ रही है? जरा दूर खड़ी रहे। तुमने ना इनकरेज किया इसलिए मैं सेकंड आई, नहीं तो ना मैं हार जाती थी। बहुत बहुत थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम मदन मोहन गोविंद गोपाल गोपी। गोपाल नाम है? मेरा नाम पता है? पता है, लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तुमने तो सब कुछ पता कर लिया, नॉटी बॉय। ये ऐसा ही है, दूसरों की बातों को जल्दी समझ जाता है। अरे चुप हो जा। ऐसा क्या? मैं ऐसा ही हूँ, तू अपना बता। अगर तू ऐसे ही मुझे इनकरेज करता रहा तो मैं फर्स्ट आऊंगी, तब मैं तुझे ट्रीट दूंगी। ट्रीट? अभी तो आई और जा भी रही है। बुलाता हूँ गजलक्ष्मी। अरे नहीं नहीं। ओए 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 तेजा, तुझसे बोल रहा हूँ। ए, बात क्या है? जो बोलना है बोल। तू आर्ट्स डिपार्टमेंट में है ना, तो साइंस की लड़कियों को सपोर्ट क्यों कर रहा है? उन्हें सपोर्ट करने के लिए हम लोग है ना। नहीं तो क्या कर लेगा बे? तू आर्ट्स, हम साइंस। तुम्हारे पास कला है, हम लोगों के पास दिमाग। जिसे तू कला बोल रहा है ना, वो हम लोग दिमाग से ही करते हैं, समझ गया? आफ्टर ऑल तू आर्ट्स का स्टूडेंट है, तेरे पास दिमाग कहाँ से? आर्ट्स के बारे में ऐसा मत बोल, तुझे एक बात पता नहीं है। आर्ट्स की वजह से कॉमर्स और साइंस आए हैं। एक बात सुन, हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, फालतू झगड़ा करने के लिए नहीं। तू भी आर्ट स्टूडेंट को सपोर्ट करना शुरू कर। उसकी जरूरत मुझे नहीं है। देख दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बस। क्या कर लेगा तू? क्या करूंगा? तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। अबे सर फोड़ेगा। छोड़ो। क्या यार तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो?
हम यहाँ के ओल्ड स्टूडेंट है, समझे क्या? क्या 100 साल पुराने हो क्या? हाँ? हम तुम दोनों के बीच एक साइकिल रेस रखते हैं, जो भी हारेगा वो दूसरे के रास्ते में नहीं आएगा, ठीक है? यहां से निकलकर 10 किलोमीटर दूर जो मंदिर है वहां जाकर जो सबसे पहले यहां लौट कर आएगा वही विनर होगा। की रेस में तेजस जीता है। संतु, अब तू तेजस के पीछे कभी नहीं जाएगा, समझ गया ना? ठीक है। गेम ओवर। अरे आना यार, चलना यार, कहाँ ले जा रहे हो? वहां पर देखना। इस बार भी मेरे अच्छे नंबर आए माता रानी। वैसे भी तू रेस में जीत गया है यार, अभी अंजलि बहुत ही खुश होगी, इसलिए अभी तू प्रपोज कर देना, वो पक्का मान जाएगी। ऐसा क्या? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है यार। अरे तेरी डाउट की तो चुप कर, तू जाकर प्रपोज कर यार, वो पक्का मान जाएगी, मेरी दादी की कसम। तेरी दादी को मरे कितने साल हो गए बे? 10 साल हो गए। तू ऐसे मत देख यार, मुझे डर लग रहा है, तू प्रपोज कर यार। चल। आजा आजा सुंदरी। अच्छा, अरे मुझे पर अच्छा ये दे, और जाकर प्रपोज कर। अच्छा, अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, जाना जा जा जा। ये तीजा थोड़ा पीछे होकर उसे बात कर। अरे यार वो कर लेगा ना मैनेज। तू चुप करना, बेकार की बातें करना। क्या है? कुछ भी तो नहीं। अरे यार, हाथ में आया हुआ चांस खो दिया। अरे चल चल चल, छोटे गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ इसे? पागल। मम्मी। दोस्त, लगता है टाइम सही नहीं चल रहा है, चलो ऐसे चलते हैं। अबे कुछ नहीं होगा, खड़े रहे। मम्मी, क्या हुआ बेटी? अरे दोस्त, की माँ इस तरफ आ रही है, मुझे डर लग रहा है, चलना चलते हैं।
अरे भागो, अरे चल भाग भाग भाग, चल चल जल्दी चल, चलना यार, अरे अरे चल, जल्दी निकलो यहाँ से, अरे अरे रुक रुक रुक, अरे अरे यार, अरे चल यार, कमर तोड़ दी रे, अरे अरे बापरे, क्या करता है तू, हट, मेरी तो कमर तोड़ दी, आई तेजू, तूने मुझे टक्कर क्यों मारी? मेरा सारा सामान बिखर गया। सामान कहाँ है? हाँ, यहाँ। यहाँ। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं तेजू, तेरे जैसे लड़के ने अगर टक्कर मार दी तो क्या हो गया? हे तेजू, कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या आंटी? तेरी टक्कर। ओके। मैं इस टक्कर को कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। मैं भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छा हम चलते हैं। आते रहना ना मुझसे मिलने। नाची बॉय। ठीक है। बाय बाय। इस बार कर देना यार, मिस मत करना। पक्का करूंगा यार। हाँ। देखा हाँ यार। अरे हाँ? अबे ये दोनों क्यों भाग रहे हैं ऐसे? अरे यार कब तक इंतजार करेंगे? ये भी उसकी राह देख रहा है। आगे क्या है? वो बात ऐसी है कि क्या है बोलो ना। अरे वो मैं ना, अरे वो इधर ही है यार, मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तुम वहाँ पर आ जाओ, उसको हम सबक सिखाएंगे। अरे अरे भाग भाग, जल्दी निकल, भाग 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 भाग। वो कहाँ है बेटी? वो वहाँ। अरे बाप रे, आज मैं उसका सर फोड़ दूंगा। आज तो मुसीबत खड़ी हो गई है, ये अपने पिताजी को लेकर यहाँ पर क्यों आई है? अब क्या करूँ? छुप जा बेटा, छुप जा। आज तो तेरी कहानी खत्म बेटा। अरे बाबा। ए रंगा, क्या कहा था तूने? हमारे खेत से नारियल निकालेगा ये कहकर एडवांस लेकर आया था, और यहाँ मिट्टी निकल रहा है। मैं कल आ जाऊंगा भाई। अगर तू कल नहीं आया ना, तो तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। धोखेबाज कहीं का, हमसे एडवांस लेता है और दूसरी जगह काम करता है, मुझे उल्लू समझ रखा है। बच गया मैं। उफ। चला गया, जान बच गई मेरी। बैठ जा बेटी। क्या यार, जब देखो खाती रहती है। तुझे खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। अंजलि, क्या है संतु? अब इसकी तो। अरे रुक जा यार। ये क्या है संतोष, मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था, तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं। हम कॉलेज क्या करने आते, पढ़ाई करने ना, और ये सब क्या है, इससे खाना मिलेगा ऐसा क्या? ऐसा नहीं है अंजलि। बकवास बंद करो, चलो लक्ष्मी। अब इसकी तो, मैं इसकी कहानी आज यहीं पे खत्म कर दूंगा। अरे उसको बाद में फोड़ना, अभी के लिए छोड़। क्या चाहता है अभी तू उसे मारेगा क्या? मार लेना, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो फिर कहाँ? वहाँ। इधर इधर देख, सही है।
ये ले। ए, बॉल लेके आना। ए, बॉल दे। अंजलि के पास गया तो तू सोच लेना। ड्रॉप कर दूं क्या? पल्लवी, इसे जाने के लिए कहो। क्या हुआ तुझे? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है संतोष के साथ चले जाना चाहिए था। मुझे लगा था प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन लेट हो गया। अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे, वो लोग घर की तरफ जा रहे हैं, उनसे लिफ्ट ले लें क्या? नहीं यार, उसे तकलीफ क्यों दे हम? अब इसमें क्या तकलीफ, वो हमारे फ्रेंड्स ही तो हैं, तो क्या हो जाएगा? गोपी, क्या बात है? बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है। घर तक हमें ड्रॉप कर दोगे क्या? तेजू, तुझे ड्रॉप करने के लिए बोल रही है? मान गया। चलना। अरे ये तो बीच में बैठ रही है, इतना अच्छा होता अगर पल्लवी की जगह अंजलि बीच में बैठती, कितना मजा आता ना। मेरे दोस्त की तो चांदी चांदी हो जाती। क्या हो गया यार? यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पल्लवी, उतर तो जरा। क्यों, उतर ना तू। अब बैठ। क्यों? अरे बैठ ना। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट होना ही था ना यार, मुझे पता है मेरी गाड़ी के बारे में। तू जरा होशियार रहना। इस वक्त मुझे होशियार रहने की जरूरत नहीं, तू होशियार रहना। गाड़ी स्टार्ट हो गई कह रहा है,
दो दो लड़कियों को साथ में लेकर जाएगा तो कितनी भी पुरानी गाड़ी हो स्टार्ट तो होना ही है। थैंक यू तेजू, बाय। अरे मैंने इसे ड्रॉप किया, थैंक्स भी नहीं बोली। क्या स्माइल थी यार, वो प्यारी स्माइल मैं भूल ही नहीं पा रहा। अरे पहले मेरे बाल तो छोड़ यार, कब से स्माइल स्माइल करके पागल हो गया तू। तेजू तुझे एक सच बात बताता हूँ यार, वो सच में तुमसे प्यार करती है। सच में? मैं अपने दादा की कसम खाकर कहता हूँ। दादा को मरे हुए 10 साल हो गया। यार उसे तेरे से लव नहीं होता तो इतनी रात को तेरे से चिपक कर थोड़ी ना बैठती, जरूर तुझसे प्यार करती है। तू जल्दी से प्रपोज कर देना यार। पता नहीं यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, प्रपोज करने के लिए मैं उसके पास जाता हूँ लेकिन करेंट चला जाता है ना। तेरी समस्या हमें पता चल गई है, तुझे प्यार वाली फिल्में देखनी चाहिए ताकि प्रपोज करना सीख जाए। उसकी जरूरत नहीं है, देख मैं तुझे एक लाइव लव स्टोरी दिखाता हूँ, अभी तुझ में हिम्मत आएगा। चल चल। लेकिन कहाँ यार? बताता हूँ, चलना। अबे कहाँ ले जा रहा है? देख देख। अरे उस पेड़ में देखना कितने आम हैं। हाँ यार वो देख, वो पीला वाला आम कितना बड़ा है, कितना छाम है ना। लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? चल चल जा रहे हैं, जा रहे हैं। अबे चल 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 चल। ये सब तो यहाँ तक आ गए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दूध और पानी दोनों मिक्स होने वाले हैं। सुनिए जी, क्या हुआ? टैंक भर गया है, खाली करके आती हूँ। जब देखो भरा हुआ पानी तुझे खाली करना रहता है, ठीक है जाओ जल्दी आना। क्या यार, दूध का व्यापार जोर से चल रहा है ना? थोड़ा सा कम हो गया है, ग्राहक तो तुम्हारे बढ़ ही गए हैं ना। तेरे जैसे कस्टमर आने पर कुछ नहीं होता, पर अब ज्यादा कस्टमर आते भी नहीं है। अरे मैं आ गया हूँ ना, अब चिंता किस बात की है, सारा स्टॉक खाली हो जाए। तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। अच्छा मैं भी आऊँ क्या? वहाँ पर आदमियों का आना मना होता है। कोई बात नहीं, तू गोरी हो गई ना वही काफी है। पाउडर लगाते लगाते पूरे बाल झड़ गए हैं तुम्हारे। पूरा झड़ गया क्या? बहुत थोड़े बाल बचे हैं। लगता है इसे भी कुछ ऐसा ही चाहिए, देखना। ये तो है, कम से कम कुछ तो बाल बचे हैं। अरे चुप रहो, मुझे भी दिखने दे ना। कुछ नहीं, चुप रहो। अरे ऐसे आवाज आ रही है, छोड़ मुझे। अरे यार ये कहां से आ गए सब? अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे मुझे तो गिरा दिए, और ये दोनों अकेले बैठकर देख रहे हैं। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे वो देख, चल वहां पर खड़ा है। अच्छा हाँ चल चल तेजू, चाहे आज कुछ भी हो जाए ये ले, पूरी हिम्मत से प्रपोज कर। यार मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात का डर, मैंने तुझे लाइव सीन दिखाया है ना। मैं तो तेरा डर कम करने के लिए बोल रहा हूँ ना, जा जाकर हिम्मत से प्रपोज कर दे। अरे अरे अंजलि, क्या है? अंजलि तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो अंजलि बात ऐसी है। ठीक है सोच कर बताना, मैं चलती हूँ। अंजलि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर तुम पसंद करते हो तो मुझे भी करना चाहिए। देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो।
पता नहीं इसने क्या बोला, लेकिन डर मत तू। अरे तेरी सुंदरता मैं देख नहीं पा रहा। देख यार, जब लड़की सामने रोड पे चलते हुए आती है तो पता है कैसा लगता है? एकदम मस्त फील होता है वो सामने देख। जैस्मिन का फूल रोड से चलकर आता है तो कैसा लगता है? कैसा? उस तरफ देख कैसा लगता है? मोगरे का फूल रास्ते से चलकर आएगा तो पता है कैसा लगता है? कैसा लगता है? इस तरफ देख फिर पता चलेगा। बहुत अच्छा है। वो कोई बड़ा फूल नहीं है, वो तो पत्थर है। मेरी वाली यहीं पर आ रही है, मुझे उसे गुलाब देना है। बिल्कुल साइलेंट रहना। लगता है तुम खाना भूल गई। अंजलि, वो प्रपोज करने के लिए इंतजार कर रहा है, परेशान करके रखा है। चलो हम इधर से चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे अंजलि, अरे ये कैसे, ये तो सुपर फास्ट बस से भी तेज भाग गई। तू टेंशन मत ले यार, अपनी कोशिश जारी रख। मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था। बहुत टफ था ना, सच कहो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्त, अंजलि आ रही है, अच्छी तरह प्रपोज करना, ठीक है? चल ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल चल ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगता है आज तो काम बन जाएगा। अंजलि क्या है? आई लव यू अंजलि। अंजलि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। क्या है, प्यार प्यार बोल के मेरे पीछे पड़े हो? कॉलेज में प्यार करने आते हो? मैंने पहले कह दिया मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े हो? देखो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहती हूँ, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। रुको ना अंजलि, मेरी बात तो समझो। हाथ पकड़ा तुमने? देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, दोबारा ऐसा किया तो घर में बता दूंगी। चामुंडाए बिच्चे, चामुंडाए बिच्चे नमः। बेलमैन, 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 बेलमैन। अबे ये कौन सी भाषा है? मुझे पता होगा तब तो बताऊंगा। गुरुजी। पापी गोपाल। गुरुजी गोपाल है गोपी। मैं क्या कर रहा? जय महाकाली। बच्चे अब से तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बच्चे चला जा। मेरा भविष्य कैसे पता? इसका भविष्य उज्जवल होगा। गोपी। गुरुजी। बेटा तेजू। जी गुरुजी। माँ काली मेरे मुंह से कहलवा रही है कि आज से तेरा राजयोग शुरू हो जाएगा बेटा। जरा रानियों के बारे में भी देख लीजिए गुरुजी। इसीलिए मैंने तुझे पापी बोला गोपाल। गुरुजी क्या यार, आते इतने सारे नाम दे दिया इन्होंने। तू चुप हो जा, तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। क्या काम है तुम लोगों को इस चंगुली लंगोट बाबा से? गुरुजी हमें एक छोटा सा वशीकरण करना था। छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी वशीकरण करना हो, ये चंगुली लंगोट बाबा चकाचक सब कुछ कर देगा। गुरुजी, गुरुजी, हमारा तेजू एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो लड़की इसे पसंद नहीं करती। चाहे जैसे भी हो, वो लड़की इसे पसंद करने लगे कुछ ऐसा उपाय कीजिए गुरुजी। करते हैं, करते हैं। वो लड़की उसे देखते ही चकाचक चकाचक करके भाग कर आएगी। इधर आओ। किस करेगी, किस करेगी आकर दौड़कर। लेकिन इसमें 2000 रुपए का खर्चा आएगा। चलेगा, कोई बात नहीं, दे दूंगा। दे दो। तो जल्दी ये लीजिए। माय माँ चंडिका तुम्हें सफलता दे। तू जब अपनी लवर को देखने जाएगा तो इस चीज को अपनी आंखों की पलकों पर लगा कर जाना, ठीक है? वैसे ही जी, इस नींबू के ऊपर उसका नाम लिखकर अपने पास रखना तुम। उसके बाद उसमें जो व्रत का नियम लिखा है उसे अच्छी तरह पालन करना। तब जाके वो लड़की तू जैसा बोलेगा करेगी और तुझे से प्यार करेगी। कल्याण होगा बेटा, तेरा कल्याण होगा। माँ काली का आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी कहाँ चले गए? गायब हो गए।
चलो 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 अभी हम चलते हैं। अच्छा गुरु जी। अंजलि अंजलि देख यार वो सामने से आ रही है, तुम लोग यहीं पे रहना। ऑल द बेस्ट यार। अरे वो जो स्कूटी पर जा रही है वो तो तुम्हारी पुरानी आइटम है ना। चुप यार। अच्छा आ जाओ अंजलि आ जाओ। क्या बात है आज इसे उदास क्यों आ रही है, इसे तो हंसना चाहिए। देखा भाई वर्कआउट हो रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। रुक जाओ अंजलि, देख वर्कआउट हो रहा है। यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पटाले पटाले पटाले। भाई लगता है बाबा का पावर मंत्र कुछ ज्यादा ही काम करने लगा है, लगता है बेटी के साथ माँ भी पटने वाली है। यही है हमारे नीबू स्वामी जी का पावर। अरे नास पीटे कहीं के मान मर्यादा है कि नहीं है। प्यार करने वाले बदमाश कहीं के प्यार करेंगे। बेटी तू जा अब ना, तुम डरना मत, इनको तो मैं देख लूंगी, तू जा। ठीक है बाय। बेटा तेजू राजयोग वर्कआउट हो रहा है ना। बहुत वर्कआउट हो रहा है गुरुजी। मतलब मैं तो बेटी के चक्कर में गया था, साथ में माँ भी पटने वाली थी गुरुजी। देखा तुम लोगों को मजाक लग रहा था, इस चंगुली लंगोट बाबा की नींबू की शक्ति मजाक समझा था। एक बार अपने चरण आगे कीजिए, हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अरे ऐसी बात मत करो, ये धोखेबाज 2000 लेके मुझे धोखा दे रहे हो तू, दोबारा ऐसा किया तो गांव में दिखाई नहीं देगा तू, समझ गया ना। अरे बच्चे तेरा नींबू तेरे पे निचोड़ दूंगा मैं। चलो तुम्हारा ऐसा करना था। तू कॉलेज क्यों जाता है, प्यार करने के लिए? मैंने सुना इनकी बेटी को प्यार के नाम पे तू तकलीफ दे रहा है, आज के बाद तू उसे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो तेरे पापा को बोलकर तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। पापा को मत बोलना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा। हाँ हाँ अब जा। सुबह बच्चों की जब उम्र हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अब मुझे ही देखो, जैसे ही मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हुई मैंने उसकी शादी करा दी, नहीं तो बस उसके साथ भी ऐसा ही होता, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो जीना हराम हो जाएगा। देखिए हमारे बेटे की डिग्री खत्म होने वाली है, उसके लिए हम लोग लड़की देखने आए हैं, शादी जो करनी है। देखो सुब्बू, राघव बहुत ही अच्छा लड़का है, अब आज के बाद तेजू तुम्हारी बेटी को परेशान नहीं करेगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई। हाँ परिमला तेरी बेटी को देखे हुए बहुत समय हो गया। बिल्कुल अगली बार जब आना तो उसको साथ में लेकर आना। ठीक है दीदी हम चलते हैं। ठीक है चलती हूँ दीदी। हाँ ठीक है ठीक है।
अरे मुझे सुंदरी दिख रही है। भाई एक बात बोलूं, उसके पीछे मैं इतने साल से घूम रहा हूं, उसने मुझे रिजेक्ट भी किया, मुझे दुख नहीं है। उसकी माँ मुझे मारने भी आई, परवाह नहीं है भाई, सासू माँ समझ के एडजस्ट कर लिया मैंने। लेकिन उस मेरे दुश्मन संतु ने मुझे उसके घर में बुलवा कर मुझे उसके बाप से डांट खिलवाई, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ यार। मैं उसको हमेशा छिप छिप के देखता था, कभी कभी वो मुझे देख के स्माइल भी करती थी। उसकी प्यारी सी स्माइल देखने से जो खुशी मुझे मिलती थी वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसकी स्माइल मेरे दिल में बस गई है। भूल जाओ उसे, जो तुम्हें पसंद नहीं करता उसे भूल जाओ। ये कहां से टपक पड़ी? जो प्यार करे उसे ही प्यार करना चाहिए। क्या कहा? तू चाहती है कि मैं प्यार करूं? वो भी तुझसे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि किसी और से प्यार करता हूं उसकी स्माइल भूल नहीं सकता, समझे? स्माइल में है जादू, उसके स्माइल में है जादू, वो है ब्यूटीफुल। हे, कितनी बार बोला है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, तो क्यों पागलों की तरह तू मेरे पीछे पड़ी हुई है? तो पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बेटा, क्या हुआ पापा? तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया। ऐसा आपने समझाया? नहीं, वो जग्गू भाई ने बोला ना। ये लो बेटी, संभाल के जाना। हाँ जा। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। ए, क्या करती हो बेटी के सामने मेरी इज्जत उतारती हो? मैंने तो आपसे कहा था बात करके आने को, आपने कहा तू भी आ जा। अरे तेरे साथ से तो मुझे हाथी का बल मिलता है। क्या बोला? क्या कहूँ, सच बोलने पे बुरा मान जाती है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, तुझे करना है तो तू कर, मुझे नहीं पसंद। मैं डांस क्यों सीखना चाहती हूँ पता है? वो क्या है कि तुम्हें कितनी बार समझाया समझ नहीं आता क्या? मेरा पीछा करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? क्यों, तू कोई ऐश्वर्या राय है जो मैं हमेशा तेरे पीछे ही आऊंगा? ऐश्वर्या को भी इतना फॉलो करता ना, वो भी अब तक हाँ बोल देती। मैं कोई तेरे पीछे नहीं आ रहा हूँ, समझ गई? इस रास्ते से कई सालों से मैं डांस सीखने के लिए जाता हूँ, समझी? वहीं जा रहा हूँ। तेजू, इस रंग प्रवेश में जो भी नए आए हैं उनको सिखा देना, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ। हाँ ठीक है गुरुजी। जो लोग नए हैं इन्हें देखें। क्या हुआ यार, कॉलेज नहीं आएगा तू? ए, बाद में आऊंगा। क्या हो गया इसे?
ए अंजलि, तुम्हारा नाम है ना? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस स्टेशन चलो, बताती हूँ। मैंने क्या किया? मैं नहीं आऊंगी। तू आ रही है या जबरदस्ती लेकर चलूं? चलो आओ। मैडम चलो, बात तो सुनिए, क्या हुआ है? नाम क्या तेरा? अंजलि। तेरे नाम की कंप्लेंट की गई है। किसने कंप्लेंट की है सर? अरे यहाँ बेटी, तूने जिस लड़की के बारे में बोला था ये वही है ना? हाँ सर। अंजलि, इसने तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट लिखाई है कि तूने गहने चुराए हैं। अब बता, गहने कहाँ हैं? मैंने किसी के गहने नहीं चुराए हैं सर, ये झूठ बोल रही है। इसी ने चोरी किया है, मुझे तो इस पर पहले से ही डाउट था। आप इसका बैग चेक कीजिए। स्वाति, यहाँ पर आओ। हाँ सर। इसका बैग चेक करो। बैग दो इधर। सर चेन है इसमें। यहाँ रखो। ये चेन तुम्हारी है बेटी? हाँ सर। अंजलि, तुमने कहा कि चोरी नहीं की, तो फिर ये चैन तुम्हारे बैग में कैसे? ये मेरे बैग में कैसे आया पता नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की है। नहीं चुराया है? कोई सबूत है? सबूत है सर। अरे तेजू, आजा बेटा, तू यहाँ कैसे? ये चोरी अंजलि ने नहीं की है। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? ए गोपी, क्या रे? और करेगा तू? और गलत काम करेगा? तेजू, ये कौन है? ए, सर को बता, सच्चाई बता। सर, गीता ने मुझे चेन देकर कहा कि अंजलि के बैग में डाल दो, इसीलिए डाला। मैंने कोई गलती नहीं की सर। गलती नहीं की? ए बीसी, इसे लॉकअप में डाल। ए, सर, सर मेरी कोई गलती नहीं है। सर सर प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर। सर सर जान लीजिए सर। समझाओ बेटी। ओके सर। गीता, तुमने जो किया वो सही नहीं। तुमने बैग चेक करने को कहा, मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ था। मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन भी ले सकता हूँ। छोड़ दीजिए सर प्लीज। ये मेरी क्लासमेट है सर, प्लीज छोड़ दीजिए इसे, दोबारा नहीं करेगी। ओके तेजू, ये लो बेटी, और जाकर कंप्लेंट को वापस ले लो, जाओ। बैठ जा। तेजू। ए। थैंक्स। पल्लवी, घर में पता नहीं चलना चाहिए, लेकर जाओ इसे। अंजलि, अब तू क्या सोच रही है? गीता ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। ताकि तेजू की नजर में तू गिर जाए, इसीलिए उसने ऐसा किया। इन सब से उसका क्या फायदा? तेजू तुझसे प्यार करता है, ये बात तो उसे पता है। तेजू की नजर में अगर तू बुरी हो गई, तो जिससे वो प्यार करती है वो लड़का उसे मिल जाएगा। लव लव लव, हे भगवान, वो वैसा है और ये कैसी है? सच बता, तू तेजू से प्यार करती है या नहीं? नहीं। नहीं बोलने के लिए तू इतना सोच रही है, मतलब तू झूठ बोल रही है। नहीं यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुझे तेजू नहीं पसंद, तो उस दिन साइकिल रेस देखने क्यों गई थी? तेजू जब तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, और अगर वो तुझे नहीं पसंद, फिर भी उसे देखकर तू अंदर ही अंदर खुश क्यों हो जाती है और जरा देर होने पे उसे ढूंढती है? आखिर इसका मतलब क्या है? क्या है? प्यार, लव, वर्ब कुछ नहीं है। फालतू की बातें बोलकर कंफ्यूज मत कर। मैं तुझे कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। तू उससे प्यार करती है कि नहीं, इस बात का कंफ्यूजन है तुझे। तू ठीक से सोच कर तो देख, तुझे पता चल जाएगा। Thank you.
अभी तक उसी कंफ्यूजन में है क्या? नहीं। फिर क्या लग रहा है तुझे? तूने जो कहा वो सच था। फिर जाके जल्दी से तेजू को बता दे। पर वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, मुझे देख के भी अनदेखा कर देता है। कभी तूने उसे खेल खिलाया, आज वो तुझे खेल खिला रहा है। जो करना है तू कर ले। एक बात बता, तुझे उससे बात करनी है ना? हाँ। वो तो मुझ पर छोड़ दे, चिंता मत कर। यहाँ आना। नहीं आऊंगा। जा सुन लेना क्या बोल रही है। अरे तू अपना मुंह बंद कर। अबे जाना, वो बुला रही है। जाना। अगर मैं जाऊंगा तो वो क्या करी पता? अबे क्या एक लड़की से तू डर रहा है? जा उसके पास, जल्दी जा। अरे क्या कर रहा है यार? अरे अगर नहीं बोलूंगा तो भी पेट भर के खाना खिलाती है यार। हाँ, अरे मैं अकेला कितना खाना खाऊंगा? तू यहाँ पर आता है कि मैं तुझे लेने आऊँ? नहीं रुको, मैं खुद आता हूँ, देख लूंगा तुझे। देख कितना खुश है। अरे क्या कर रही है यार? अरे मर गया मैं। लगता है पेट भर के खाया इसने। गोपी, तेजू को बोल देना कि अंजलि को उससे बात करनी है, शाम को 4 बजे बीच पर आने के लिए बोल देना। मैं तो कह दूंगा, लेकिन वो नहीं गया तो? तो मैं फिर से आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खुद उसे लेकर जाता हूँ। कैसे भी करके इसके मुंह बंद करने होंगे। आजा 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 आजा। क्या है, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? खूब अच्छे से खाया ना तूने? अबे कौन सा खाना कमीने। तेजू, तुझे 4 बजे कोडी बीच पर मिलने के लिए बुलाया है यार, अंजलि को तुमसे बात करनी है। अबे इस जन्म में अब पॉसिबल नहीं है। मेरी भी कोई इज्जत है, समझा क्या? है ना इज्जत? अबे चुप हो जा कमीने। तेजू, अगर तू नहीं गया तो वो दोबारा मुझे खाना खिला खिला कर पेट फाड़ देगी। वो चाहे खाना खिलाए या फिर दूध पिलाए, मैं नहीं जाने वाला। बकवास करता है। मैं तेरा पैर पकड़ता हूँ यार, अगर तू नहीं जाएगा तो वो मोटी मुझे खाना खिला खिला कर मार डालेगी यार। मैंने तेरे से कहा ना कि मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? तुम लोग चाहते हो कि मेरा भरा हुआ मुँह देखो? मरने की बात मत कर, चला जाऊंगा। अरे मेरे प्यारे दोस्त, पिछले जन्म का मेरा पाप है यार ये, चला जा। चल 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 चल। अब लड़की ने बुलाया तो मिल ही लेंगे यार, देखते हैं कि वो क्या बोलती है। सही है। रेडी हो गए स्तंभ? मैं रेडी हूँ पापा, लेकिन मम्मी रेडी नहीं है। मम्मी रेडी नहीं हुई? अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? राहु काल आने ही वाला है। एक बार आईने के सामने खड़ी हो जाती हो तो समय भूल जाती हो। हम लोग तुम्हारे लिए लड़का देखने नहीं जा रहे हैं, इसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। जल्दी आ जाओ। ये क्या है, गुंडे की तरह हुलिया क्यों बनाई है? हाँ, चेहरे पर स्माइल रख। हाँ, हो गया तुम्हारा? अरे अरे आ गई मैं, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते, हमेशा जल्दबाजी में रहते हो। हाँ, जल्दबाजी नहीं करता तो आज ये सुपुत्र पैदा नहीं होता, और आज इसके लिए लड़की देखने नहीं जाते। चलो तू भी चल। अरे आ भी जाओ, बैठो। कुछ भूले तो नहीं तुम लोग? नहीं पापा। अब चलो। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, आखिर बात क्या है? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो तुम? अब मैंने क्या किया? ऐसा क्या किया? तुम क्या अपने आप को कोई सलमान खान समझते हो जो पूछते ही हाँ कर दूंगी? अब तुम्हें तुम्हें फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है? बात मत करो तुम। मैंने क्यों बुलाया पता है ना? बात करो ना। कभी बोलती हो बात मत करो, कभी बोलती है बात करो। तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ मेरा दिमाग खराब है। अभी क्या बात है बोलो ना। हेलो। अच्छा ठीक है, ओके बाय। किसका फोन था, बात क्या है? अरे वो संतु है ना, उसके घर वाले मेरे घर आए हैं मेरा हाथ मांगने के लिए। तुझे वो पसंद है? संतोष अच्छा लड़का है, पसंद तो आएगा ही। उस दिन मैंने संतु को छोड़ के गलती कर दी, आज नहीं छोड़ूंगा। तेजू तुम उसकी बातें क्यों कर रहे हो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुझसे प्यार किया, फिर भी संतु ने तुझे लव लेटर क्यों दिया? अब बताओ कि ये गलत है कि नहीं है? अरे वो पल्लवी के घर गया था। पल्लवी के घर गया था? हाँ बिल्कुल,
मैंने उसे गलत समझा था। उस दिन वो लव लेटर मुझे नहीं पल्लवी को देने आया था, पर मैंने उसे बहुत डांट दिया। वो बात उसके घर में पता चल गई, इसलिए वो लोग पल्लवी के घर गए हैं। पल्लवी ने मुझे सब बताया। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो तुम्हें समझ के उसे बहुत कुछ सुना दिया था। वैसे तुम क्या बोलने वाली थी? तेजू, ये समुंदर दिख रहा है ना, ये कितना शांत है। समुंदर की तरह मेरा मन भी बहुत शांत था, पर तुमने मेरे दिल में प्यार को जगाकर मेरी इच्छाएं आकांक्षाओं को मुझे दिखाया। तेजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? वैसे तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं पाओगे, पता है क्यों? मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार दोनों मिलकर एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। तेजू, आई लव यू। तेजू, तेजू। कौन है? मैं गोपी, तेजू का है बहन। आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। ठीक है। भैया भैया, आपके फ्रेंड गोपी आए हैं। और पापी आया है। मेरा नाम पापी नहीं है, गोपी, गोपाल गोपी। भैया आप लोग बात करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहन, आओ बैठे बात करते हैं। ओ, धनिका। अच्छा तो तुम लोगों, बैठो बैठो बैठो। ये लोग तेजू के फ्रेंड है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा है। हाँ और सुनाओ भाई, दे दो बेटी। मम्मी पापा ठीक है ना? थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डैडी रिटायर्ड हुए कि नहीं अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं हुए। ओ ठीक है ठीक है। थैंक यू। दूध? अरे धनिका, ये ऐसे क्यों कर रहा है? तेरे दोस्त को दूध पीना पसंद नहीं है क्या? ऐसा नहीं अंकल, कभी कभी पीता रहता हूँ मैं। अच्छा दूध है, पी लो भाई। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आकर मिलता हूँ। तेजू आता ही होगा, उससे बात कर लेना। हाँ वानी, मुझे घर दिखा सकती हो? इसमें पूछना क्या है, घर तुम्हारा ही है, समझ लो जाकर देख लो। समझना क्या है, ये घर मेरे ससुर जी का है, पता है ना? बोलते ऐसे नहीं, इसे शादी कर चुके। जा जाओ। बिना परमिशन मेरे रूम में तुम क्यों आ गई? अपने पति के रूम में आने के लिए मुझे परमिशन लेना होगा क्या? अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन घर में कौन लेकर आया तुम्हें? गोपी, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद सारा डिटेल पता चला। क्या पता चला? तुम मुझे कितना पसंद करते हो पता चला। मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो तुम मुझे मिले। तेजू, एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। इतने साल तक मेरे मम्मी डैडी ही मेरी दुनिया थे, मैं उनके लिए उनकी जान थी, लेकिन अब मेरी जान तुम्हें बसती है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ए पागल, तुम भी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम मेरी जान हो। शरीर से जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, समझ गई? क्योंकि इस जान पर मैं अपनी जान छिड़कता हूँ।
आखिरकार तेरा प्यार सक्सेसफुल हो ही गया यार। हाँ यार, जिस लड़की से प्यार करता था वो मुझे मिल गई। एक बार डिग्री पूरी हो जाए तो मैं उसे शादी कर लूंगा। एक और इच्छा है यार मेरी। क्या? गुरुजी से जो मैंने डांस की कला सीखी है, मैं चाहता हूँ कि दूसरों को भी सिखाऊं। और इसके अलावा मैं एनएसडी में टीचिंग भी करना चाहता हूँ। एनएसडी क्या मतलब? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 100% तुझे मौका मिलेगा यार, तुझ में वो दिमाग है, वो कला है। हेलो, मैं हूँ किला किला को किला। बोलो आंटी। घर में कोई नहीं है, आकर पौधा लगाओगे क्या? आंटी जी, एक और बंदा आएगा, मिट्टी निकालने लेकर आऊं क्या? ठीक है, लेकर आओ। गोपी, पौधा लगाने चलेगा क्या? हाँ, चल, चल, चलते। ए, तुझे पौधा क्यों लगाना है बे? अरे कमीने, तेरा तो सब कुछ ओके हो गया है, हमारा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। फिलहाल के लिए तू ही हमारा गुरु है, आशीर्वाद दे। जाओ भाड़ में, जाओ भाड़ में, जाओ क्या होता है। अच्छा आशीर्वाद दे हम दोनों को। जाओ यार, मेरा भेजा मत खाओ, जाओ। हाँ, चल चल चल, बैठ बैठ बैठ, आजा, चल 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 चल। भैया। हाँ बोलिए। पीपी दो। पीपी नहीं मिलता यहाँ। टोपी, टोपी दे दो। टोपी पीपी कुछ भी नहीं मिलता। क्या यार, मेडिकल खोले कितने साल हो गए, थोड़े से भी शार्प नहीं हो, इसलिए तो तुम्हारे बाल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यहाँ आओ। अच्छा वो चाहिए। आराम से। Come on, come on। भैया बोलो और क्या चाहिए? पेपरमिंट चाहिए। पेपरमिंट? पेपरमिंट नहीं है मेरे पास। आपको कुछ समझ में नहीं आता, मेडिकल चलाने आपको नहीं आता, यहाँ आओ। अच्छा वो चाहिए। अरे आराम से बोलो। Come on, come। Thank you। ठीक है। घर आ गया है, घर आ गया, घर आ गया। धनिका, रुको यार, गोली खा लेता हूँ। ये ले, तू भी रख ले। मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पीपी, पीपी भूल गए थे हम लोग। ये ले, ये तू ले, ये मेरे पास, ये एक्स्ट्रा है, मैं रख लेता हूँ। ये मेरे जैसे मर्द के लिए है। तेरी तेरे, आजा। धनिका, वो लड़की कौन है? अरे आएगी। फर्स्ट टाइम है यार, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, जल्दी बताना कौन है। क्या जल्दी है बे, आ रही है। धनिका, तू बिल्कुल सही टाइम पे आ गया है। ऊपर से ये साइकिल ट्यूब को भी ले आया। साइकिल ट्यूब? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ सही है। धनिका, तू कितना बड़ा खिलाड़ी है यार, मेरी भी एक नजर थी इस पर, लेकिन तू तो मुझसे दो कदम ऊपर चला गया यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे यार क्या कर रहा है, तुझे जो करना है वो वहाँ जाके करना। सब रेडी है, मिट्टी निकाल कर पौधा लगा कर पानी डालना है। दोस्त दोस्त, मैं पहले जाऊंगा, जिंदगी में एक बार भी नहीं गया हूँ यार, इसलिए पहले जाऊंगा। आंटी बहुत अर्जेंट है तो ये पहले जाएगा। ये साइकिल ट्यूब, ये सिर्फ मिट्टी निकालने के लायक है, आखिर में तू ही आना पौधा लगाने के लिए। मैं पौधा लगा कर दिखाऊंगा। तू क्या कर लेगा, चल अंदर आकर दिखा, आजा। अभी आता हूँ। चल दोस्त, ऑल दी बेस्ट तो बोल। जाके मर। ओके। ये तो बाहर की तरह लग रहा है। इंतजाम से आया है ना? कवर नहीं लाया, पीपी लेकर आया हूँ। ए ट्यूब, मैं इसी के बारे में तो बात कर रही थी। ये तो पीपी है ना, कवर बोल रही है ना ये। इतनी जल्दी जा रहा है? तू जा, जाकर मर जा। ओ
उस मेडिकल वाले की ऐसी की तैसी जुलाब की गोली दे दिया है धनिका। धनिका बाथरूम लग गया यार, सुस्त हो गया है शरीर मेरा। अरे माँ अब कौन आएगा? हम नहीं आएंगे, आप किसी और को ढूंढ लो। तू क्या चेहरा देख रहा है, चल यहाँ से। ये साइकिल ट्यूब ने तो सब बर्बाद कर दिया। मुझे मुझे कुछ नहीं किया, धोखा देता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी जान बिछड़ गई है, मेरी से गलती हो गई, गलती हो गई। अरे मेरी गलती निकालती हूँ, क्या कर रही है, बड़ी गलती हो गई। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी तुझे क्या कर रही है? उसे धोखा देता है, इसे छोड़ो, मुझे धोखा देता है। अरे क्यों मार रही हो? हाँ मारूंगी, मेरे हिस्से का खाना मैं इसे खिला देती थी ताकि मेरे जैसा मोटा हो जाएंगे। तुम दूध पीती हो? हाँ, ताकि ये भी मेरे जैसा मोटा हो जाए। लेकिन इसने धोखा दिया, किसी आंटी के घर गया था, बोलता है इसमें गलत क्या है, मुझे कितना दुख हो रहा है। आंटी देखो, मैं इसके लिए रोज दूध की बोतल भी लाती थी। ये है? हाँ, आपको क्या लगा? हमें लगा कि अमूल का दूध है। ये मार्केट का ही दूध है, मैं बोतल में डाल के लाई हूँ, ले पी इसे। किस कमीने ने बताया उसे? क्या है गोपी, तुम्हें अकल नहीं है? मेरे तेजू को देखो, कितना प्यारा है ना, बिल्कुल श्री रामचंद्र की तरह है। ए श्री रामचंद्र, वो आंटी तेरे बारे में भी पूछ रही थी। तुम भी आंटी नहीं, को जानते हो क्या? कोई आंटी नहीं, जानते हो, मैं नहीं आंटी जानता। ए गोपी, सच बता दे, क्या बात है? मुझे मार खिलाता है ना तू, अभी तू भी खा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। अरे तू बता ना यार, इसे सच्चाई बता। मैंने और गोपी ने आंटी के घर में पौधा लगाया था। पौधा लगाया था? हाँ, नारियल का पौधा। इसमें तेजू नहीं आया था, चाहो तो गोपी से पूछ लो। मुझे गोपी पे भरोसा नहीं है। मुझ पर तो भरोसा करो। तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। अभी तो पता चल गया ना, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब तो एक किस्सी मिलेगा ना मुझे। घूम फिर के वही आ जाते हो ना, पहले तुम कॉलेज पास करके दिखाओ, पास हो गए तो देखूंगी। मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तेरा डाउट लग रहा है। मुझ पे डाउट है? मुझ पे डाउट करते हो? नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझ पे डाउट करते हो? तुम भी पास हो गई। तुमने मेरा मार्क्स देखा है? मैंने तुम्हारा देखा। तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं सच में। इससे क्या हुआ? तुम भी कभी? अरे यार, क्या हुआ बेटे? कितना उदास बैठा है। अबे टेंशन मत ले, सब तू भी पास हो गया। क्या हुआ? अबे तेरा क्या हुआ? अरे मेरी तो सांसें रुक गई थी तेजू, सॉरी यार। हे, तू सॉरी क्यों बोल रहा है यार? मुझे सॉरी बोलना चाहिए। रिजल्ट का क्या हुआ? हम दोनों तो पास हो गए। और तुम दोनों? हम दोनों भी पास हो गए। अब ये बताओ, एंगेजमेंट कब है और शादी कब है? मैंने एक कंपनी खोलने की सोची है, उसके बाद हमारी एंगेजमेंट होगी। तुम सब लोगों को पक्का आना होगा। बिल्कुल पक्का आएंगे। क्यों? सबका लव सेट हो गया, मेरा क्या होगा? हे भगवान। पांच छ सात आठ। अरे तेजा, तेरा कॉलेज तो खत्म हो गया ना, अब क्या करेगा? मेरी इच्छा है कि मैं एनएसडी में काम करूं पिताजी। तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतने सारे खेत हैं, तू यहीं पर काम कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, असल में एनएसडी में काम करना मेरा सपना है पिताजी, इसीलिए मैं इतने सालों से डांस सीख रहा हूं। मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया है, प्लीज अब मना मत कीजिएगा मुझे। तेरी सोच तो अच्छी है, और डांस हमारा परंपरा भी है,
उसे बचा कर रखना हमारा कर्तव्य है बेटा। तेजा, तुझे जो करना है कर। ठीक है पिताजी। हेलो हेलो आंटी, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। अंजलि है क्या? एक मिनट, अंजू बेटी, पल्लवी का फोन आया है। हेलो, तुम्हारा जाने मन तेजू बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ पल्लवी। बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ, इसलिए फोन किया क्या? सुनो, कल सुबह 10 बजे कुड़ी ब्रिज पर आना है, भूलना मत। ठीक है, आती हूँ। बस इतना ही नहीं, कुछ और देना भी है, तुम्हें याद है ना? बाय। क्या कहा उसने? गुड न्यूज बताना, इसलिए मिलने को बुलाया है। क्या कह रही हो, बिना शादी किए गुड न्यूज दे रही है? तुम भी ना, ये 21वीं सदी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये बात है। ये क्या, जो भी हो खाने लगते हो। बहुत जोर से भूख लगी है। आज व्रत रखना है, बताया था ना मैंने, इसीलिए तो मैं खा रहा हूँ। रखो इसे, चलो कुछ बना कर खिला देती हूँ, तू भी चल। अंजू, ये नीचे उतारो मुझे। ये नीचे उतारो ना। अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या हुआ, घर में हमारे बारे में बता दिया? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब तो 100% डन है। क्या बात है, जो इतने खुश लग रहे हो तुम। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं दूसरों को भी डांस सिखाना चाहता हूँ, मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, NSD में मेरा इंटरव्यू होने वाला है। कल ही मुझे बेंगलुरु जाना है, वहां से आने में 1 हफ्ता लगेगा। अंजू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे छोड़कर तुम इतने दूर जा रहे हो, ये बताने के लिए बुलाया है मुझे? मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे, ऐसा कहा करते थे तुम। देखो सब झूठ है, सब झूठ है, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे अंजू, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बताया था ना NSD ज्वाइन करना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैंने तुम्हें बताया था, तो फिर आज तुम रो क्यों रही हो? अंजलि, तुम कहती थी ना मुझे वहाँ काम मिलेगा। हाँ, मैं वैसा ही कहती थी, लेकिन अभी मुझे वहाँ भेजने का दिल नहीं कर रहा है। तुम्हें, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। तेजू, प्लीज तेजू, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। जो काम वहाँ करना था अब मैं यहाँ पर करूँगा, अब तो खुश हो ना? कोई बात नहीं, तुम जाके अपनी इच्छा पूरी कर लो। नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं खुद कह रही हूँ ना, तुम काम पे जाओ। ना भी बोलती हो, हाँ भी बोलती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें खो दूंगी इस बात का डर था, इसलिए ऐसा बोल रही थी। तुम जाओ, जाकर जल्दी आओ, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, जाकर आओ। कितने दिन लगेंगे? 1 हफ्ता। एक हफ्ता? हाँ। रोज कॉल करना मुझे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं कॉल करूंगा रोज। तो ठीक है, अब चले यहाँ से। नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ी देर तुम्हारे कंधे पे सर रखना चाहती हूँ। आते वक्त मेरे लिए पायल लेकर आना। हमारे बच्चों के लिए? मेरे लिए। ठीक है, लेकर आऊंगा। पिताजी, टाइम पर खाना खाना और टाइम पर दवाई खाना और सेहत का ख्याल रखना। सुन छोटी, पापा का ठीक से ख्याल रखना, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुननी, समझ गई? तू हमारे बारे में चिंता मत कर, तू बस अपने इंटरव्यू पर ध्यान दे, ठीक है ना? अब जा, सब अच्छा होगा। ठीक है। हाँ, खुश रह, खुश रह। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। खूब आगे बढ़ाते जा, चलता हूँ मैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। All the best, यार। Bye, Bye. तेजू। All the best, तेजू। Bye, यार। Thank you. Thank you. आओ तेजा, तू आया तो अच्छा हुआ। मैं यहाँ से बेंगलुरु अकेले कैसे जाऊँगा, यही सोच रहा था। चल, चलते। Hey, Rocky. हाँ?
गाड़ी चलाते समय सिर्फ सामने देखना, ड्राइव करते समय आंखें हमेशा रोड पर होनी चाहिए, समझ गया? ठीक है अंकल, ठीक है, चलते हैं पिताजी, बाय। ठीक है बेटा, अब जा। बेंगलुरु कब तक पहुंच जाएंगे राकेश? ये रॉकी रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट है, तुझे पता नहीं चलेगा कब पहुंच गए। ए, सामने देख, क्या कर रहा है समझ कर। बाप रे बाप। ए, तुझे दिखता नहीं क्या? यार वो अपने साइड पे ठीक जा रहा था, तू सामने देख कर चलाया कर यार। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे ड्राइविंग के बारे में पता है। हाँ वो देख लिया मैंने। हेलो तेजू, इंटरव्यू हो गया? नहीं अभी वो बुलाने वाले हैं। तुम जरूर पास होगे। तेजस, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। तेजू, तुम ये डांस कितने सालों से कर रहे हो बेटा? लगभग 10 साल हो चुके हैं, मैं 8 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ। एनएसडी में ही काम करना है ऐसा आपने एप्लीकेशन डाला, इसका उद्देश्य? हमारे परिवार में सभी लोग कला से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ सर। एनएसडी में ही काम करना है ऐसा एप्लीकेशन क्यों डाला? एनएसडी में पूरे दिल से पढ़ने के बाद मैं बाहर जाकर लोगों को भी ये कला सिखाना चाहता हूँ। आखिरी सवाल पूछता हूँ, जिंदगी के लिए कला है और कला के लिए जिंदगी है, इसमें ज्यादा सही क्या है? मेरे हिसाब से कला के लिए जिंदगी यही सही है। तेजू, हमने तुमको सेलेक्ट कर लिया है। थैंक यू सर। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। ठीक है सर। खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेटी, हमेशा लय से चलना चाहिए। ताक धिना दिन दिन, ताक धिना दिन दिन, ताक धिना दिन दिन। हाँ बोल बेटा। हेलो पिताजी, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। अच्छा सुन, तेरी बहन तुझसे बात करना चाहती है। कांग्रेट्स बड़े भैया। थैंक यू छोटी। अब जल्दी से आ जाओ, मेरे पास झगड़ा करने के लिए कोई नहीं है, और आते समय मेरे लिए कुछ लेकर आना। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा पक्का। हेलो, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी सच में बहुत खुशी हो रही है। कब आओगे तुम? थोड़ा सा काम है यहाँ पर, खत्म करके जल्दी आता हूँ। आते ही तुम्हारी मम्मी डैडी से बात करूंगा। ठीक है, मैंने जो कहा था वो भूलना मत, हाँ याद से लेके आना। तुम जो बोलोगे उसे भूल सकता हूँ क्या? पक्का लेकर आऊंगा। जल्दी आ जाओ ना, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं आए ना तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, मैं बस आने वाला हूँ। बाय। बाय। ओके बाय। क्यों फोन पर रोमांस कर रहा है क्या? आजा, एक पैक बनाया है, बैठ जा। चल बना, फिर बैठ कर बात करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। गीता, कौन गीता? मैं कौन हूँ ये तू मुझसे पूछ रहा है? तू मुझे भूल गया क्या?
इतनी रात को तेरा फोन इतनी देर से बिजी आ रहा था। ओह, अंजलि से बात कर रहा होगा ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा होगा, है ना? लेकिन तुझे बताऊं, उसके घर वाले ना इस बारे में बिल्कुल नहीं मानेंगे। ओह। क्योंकि उन लोगों को मैंने सब बता दिया है, तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुझे अंजलि को भूलना पड़ेगा। मैं नहीं भूलूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, मैं क्या करूंगी? बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। या तो वो रहेगी या फिर मैं रहूंगी। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, मैं शादी करूंगा सिर्फ अंजलि से। शादी करोगे? वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। नहीं मतलब शादी तो होगी तेरी, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। तू उससे कैसे शादी करता है ये मैं भी देखती हूँ। शादी होने के लिए उसका रहना भी तो जरूरी है ना। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बोल बेटी। हाँ, ये ठीक है। ये वाला पैक कीजिए। ये लीजिए आपकी फाइल। ए, अंधा है क्या? सॉरी, दिखाई नहीं देता। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी का बच्चा। बॉस डीके भाई, बॉस डीके भाई। अरे मैं बॉस हूँ बे, और मैं डीके। दोनों बॉस डीके नहीं, समझ गया ना? सॉरी बॉस भैया, सॉरी डीके भैया। गुड। अच्छा बता, घबरा कर क्यों आया? बॉस भैया, डीके भैया, मैं एक सामान चोरी करके आ रहा हूँ, वो मेरा पीछा कर रहा है भैया। थू तेरी तो, तुझे काम करने को कहा था, तेरे से वो भी ढंग से नहीं होता। मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया हूँ भाई। तो फिर क्या लाया है? ये भैया। भैया ज्यादा खुश मत होइए, वो आएगा तो हड्डी पसली एक कर देगा आपकी। ए, मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मेरे पास कोई चेन नहीं है, मेरे बॉस भैया डीके भैया के पास चेन है, चाहिए तो उनसे ले लो। तेरा चेन ये है क्या? नहीं दूंगा, क्या करेगा? ए, चुप चाप, मेरी चेन वापस कर दे। अबे देख क्या रहे हो तुम लोग, मारो।
चुपचाप उसको दे दो वरना पीट देगा आपको बहुत। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। भाई भाई आपका सामान चीची ये चेन ले लीजिए। तेजू, रुक जा, मैं अंजलि से बात करके आता हूँ, ठीक है? अरे दोस्त, तेरा फोन कहाँ है? अरे क्या फोन कर रहा है, मैं अंजलि से बात करके आता हूँ, बोला ना, तुम लोग यहीं पर रुको, ठीक है? अरे नहीं यार, अरे रुक जा। क्या हुआ? मत जा। ए पागल है क्या तू? दोस्त, अरे अबे क्या पागलों की तरह बात कर रहा है, मुझे अंजलि से मिलकर आने दे। अंजलि नहीं है। क्या मतलब? अंजलि नहीं है तेजू। क्या मतलब नहीं है? अंजलि कहाँ है ये बता। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी बता कि अंजलि कहाँ है। किसका फोन था? मम्मी कुछ पूछ रही है ना, किसने फोन किया था? तेजू। ओ, जो कॉलेज में तेरे पीछे पीछे घूमता था वही ना? वो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं शादी सिर्फ उसी से करना चाहती हूँ। शादी करेगी? हमने मना कर दिया तो क्या करेगी? अगर हमने नहीं अपनाया तो क्या करोगी, ऐसा मम्मी पूछ रही है ना। मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग जो बोलोगे वही करूंगी। हाँ?
बेटी रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मर्जी के बीच में कभी नहीं आएंगे, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, है कि नहीं? लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोल रही। उसी ने तो मुझे इस बारे में बताया है। तुझे एक और बात पता है क्या बेटी? तेरी मम्मी ने ही तेरे प्यार के बारे में मुझे बताया है। उसके अलावा उसने खुद तेजू के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर 100 marks देने के बाद ही मैंने हाँ किया है बेटी। बेटी जब हम लोग इस गांव में आए थे ना, तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, यहाँ के लोगों को भी हम नहीं जानते थे। तब जग्गू भाई ने हमारी मदद करके यहाँ पर जीने के लिए एक रास्ता बना कर दिया और हमारे रहने के लिए घर भी दिया। उसके अलावा उन्होंने तेजू के बारे में जानकारी लेके, उसके खानदान के बारे में जानकारी लेकर उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। जब किट्टू भैया और पद्मा दीदी के घर गए थे तो संतू को देखकर हम लोगों ने सोचा था कि ये हमारा दामाद बनेगा तो अच्छा होगा। पद्मा दीदी भी तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन संतू ने कहा अंजलि और तेजस के प्यार के बीच में नहीं आऊंगा। कितने अच्छे है ना वो लोग। अब तो हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है बेटी कि तेजू के साथ ही तेरी शादी होगी। अब तो खुश है ना, तेजू के घर वालों से कल ही बात करने जाएंगे। अब तो तू खुश है ना, अब तू जा। मम्मी पापा आज मैं आप दोनों के साथ सोऊंगी। देखो इस पागल को। Ha 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 ha
अंजलि, अंजलि, तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। अंजलि, गलती मेरी है, मैं तुम्हें छोड़कर गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे छोड़कर नहीं जाना था। तुम मुझसे नाराज हो गई और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आऊं, मैं लेकर आया हूं। तुमने वादा किया था कि हम दोनों के बच्चे होंगे, मैं अकेला हो गया हूं अंजलि। प्यार करने वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों से जलने वाले कितने लोग थे, मगर कोई हमें अलग नहीं कर पाया। हम हमेशा साथ रहे, तो आज किसकी नजर लग गई हमें। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा अंजलि। इस पूरी दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये दिल तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा अंजलि। मैं मर जाऊंगा अंजलि, मर जाऊंगा। अंजलि।